घर बैठे शुरू करे खुद का सोडा फैक्ट्री। जो बाजार में इस तरह का ड्रिंक मिल रहा है 125 रुपए 120 रुपए मिल रहा है, 20 से 25 रुपए का बोतल मिल रहा है, आप भी खुद इस तरह का प्रोडक्ट बनाए दोस्तों। आप देख सकते हैं 4.5 रुपए में बनाए दोस्तों, बाजार में 7 रुपए में होलसेल में बेचे, रिटेल में 10 रुपए में बिकेगा दोस्तों। इस तरह से आप आरबुल तक का भी फ्लेवर बना के निकाल सकते हो। इस तरह का सैंपल ड्रिंक आप घर बैठे हमारे से मंगा सकते हो। आप देखिए रेडी प्रोडक्ट है हमारे पास, घर बैठे सैंपल आप टेस्टिंग के लिए मंगा सकते हो कि ये फ्लेवर और ये फ्लेवर में क्या टेस्ट में अंतर है, ये फ्लेवर और ये फ्लेवर में टेस्ट में क्या अंतर है। तो ऑल ओवर इंडिया में सैंपल प्रोडक्ट आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजेंगे। अगर आपको इस तरह का खुद का एक फैक्ट्री, खुद का एक कंपनी डालने का इंटरेस्ट है तो हमारे से सैंपल मंगाइए, उसके बाद आगे का प्लानिंग और डिसीजन कीजिए दोस्तों। पूरी मशीन आप देख सकते हो, 2 आदमी से पूरी मशीन वर्क कर रही है। 1 घंटे के अंदर 300 बोतल का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से खाली बोतल पड़ा हुआ है हमारा, वॉश किया हुआ कंप्लीट बोतल पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो फिलअप और ढक्कन लग रहा है। यहाँ पे प्लेन सादा सोडा फिल होगा देखिए, और यहाँ पे फ्लेवर डाला जाएगा, जो भी फ्लेवर है वो फ्लेवर डाला जाएगा। यहाँ पे सोडा फिल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे फ्लेवर डाला जाएगा देखिए, यहाँ से फ्लेवर फिलअप होगा इसके अंदर। यहाँ पे ढक्कन का बाउल भी दिया गया दोस्तों, आप देखिए यहाँ से ढक्कन लेके आप उठा सकते हो। आप देखिए यहाँ पे बोतल धोने के लिए वॉशर भी दिया गया, आप खाली बोतल को आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक आदमी बैठ के यहाँ पे आसानी से वॉश कर सकता है देखिए। इस तरह का जो मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है आप खुद भी पीते होगे। आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। इस तरह का खुद का एक ब्रांड, खुद का एक कंपनी का प्रोडक्ट आप बना सकते हो। ये प्रोडक्ट बाजार में 120 से 125 में बिक रहा है, ये प्रोडक्ट 20 रुपीज में बिक रहा है, लेकिन आप ये मशीन के अंदर से इस तरह का प्रोडक्ट इस तरह से आप बना सकते हो। सिर्फ 4.5 से 5 रुपए में बनाने का खर्चा है दोस्तों, होलसेल में 7 रुपए में बिकेगा, रिटेल में 10 रुपए बिकेगा। तो इसका पूरा डिटेल्स हम आपको वीडियो में बता के दिखाने वाले दोस्तों। ये प्रोडक्ट का फ्लेवर कैसे बनाया जाता है दोस्तों, और मशीन में कैसे फिलअप किया जाता है, और मशीन में से कैसे निकाला जा रहा है, प्लस ये प्रोडक्ट हम हमारे कस्टमर के लिए सैंपल्स बना रहे हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाने में, खुद का फैक्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड है, मशीन लेने में इंटरेस्टेड है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे ये प्रोडक्ट हम सैंपल भेजेंगे। आप घर बैठे इसको पी सकते हो, घर बैठे इसको टेस्ट करके अपना एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसका फैक्ट्री स्टार्ट करना है कि क्या करना है। इसको वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक आप देखिए, तभी आपको फ्लेवर कैसे बनाना है, मशीन के अंदर कैसे सप्लाई करना है, कैसे प्रोडक्ट तैयार होगा, और इसको सैंपल मंगाने के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको घर बैठे प्रोडक्ट सैंपल में दिया जाएगा दोस्तों। आज हम ये वीडियो के अंदर टोटल 4 वैरायटी के फ्लेवर्स बना रहे हैं, जिसमें इस तरह का एक फ्लेवर बनेगा, इसमें नेक्स्ट बनेगा इस तरह का एक फ्लेवर बनेगा रेड कलर का, और तीसरे नंबर में जीरा मसाला बना रहे हैं, और फोर्थ नंबर में ऑरेंज का फ्लेवर बना रहे हैं। 4 प्रोडक्ट का हम सैंपल बना रहे हैं जो आपको घर बैठे सैंपल में दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हम बनाएंगे रेसिपी। पूरा मशीन का सेटअप हमारे पास तैयारी है, जहाँ पे बोतल वॉशर है, खाली बोतल पड़ा हुआ है, फिलिंग करने के लिए यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, लेकिन फ्लेवर हम यहाँ पे शुगर हमारे पास शक्कर पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्कर पड़ा है, फ्लेवर के पैकेट पड़े, यहाँ पे बाउल पड़े, यहाँ पे पानी पड़ा है। तो सबसे पहले हम आपको फ्लेवर बना के दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे रेसिपी के अनुसार 6 लीटर हम पानी डालेंगे, इसमें 6 लीटर का वाटर है, 1-1 लीटर का बाउल है, 6 लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे, और 6 किलो शक्कर डालना है हमारे पास। यहाँ पे 5 किलो का शक्कर का बैग पड़ा हुआ है देखिए, 5 किलो का शक्कर का बैग है ये, पूरा 5 किलो का बैग हम डाल देंगे इसके अंदर। आप देखिए और 6 लीटर इसके अंदर पानी फिलअप करेंगे। फ्लेवर मिक्सचर मशीन है जिससे हम इसको घोलेंगे और उसको फटाफट अर्जेंटली फास्ट में इसको पूरा बनाएंगे, फ्लेवर को पिघल देंगे इसको अच्छे से। अब देखिए 5 किलो फ्लेवर हमने डाल दिया है और 1 किलो फ्लेवर हम इसके अंदर एडिशनल लेंगे। लाओ लो, फ्लेवर हम इसको काउंट करके लेंगे, वेट करके मेरे पास वेट करके इसमें 1 किलो फ्लेवर ऐड करेंगे। एक किलो फ्लेवर ले लिया हमने, इसमें अंदर ऐड कर देंगे। टोटल हमने 6 kg शक्कर डाल दिया है इसके अंदर, 5 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अभी हम मशीन को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो शक्कर और पानी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका बन जाएगा चाशनी। ये अब देखिए इससे पानी जो चालू कर देंगे, बटन दबाएंगे। आप देख सकते हो शक्कर और पानी दोनों मिक्स हो रहा है, उसके बाद इसका जो फ्लेवर है हम फ्लेवर डाल देंगे इसमें। आप देखिए
लेवर डाल दिया हमने इसमें, उसके बाद उसका पाउडर डाल देंगे। आप देखिए पाउडर हमने ऐड कर दिया इसमें, इसको अच्छे से घोल देंगे, अच्छे से शक्कर और पानी चाशनी अच्छे से बन जाएगा और मेल्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। आप देखिए मटेरियल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसके अंदर बाउल में फिलअप करेंगे, बाउल में डालेंगे, इसको गाल के पूरा छान के। आप देखिए हमारे पास बाउल पड़ा है, इसको छान के भरेंगे। हम देखिए तू बंद कर ही दे, ये पूरा टैंक में पूरा छान के जो भी कचरा डस्ट है इसके अंदर आ जाएगा, छन्नी में आपको इस तरह से छान के डाल देना है इसके अंदर। अब खुना की दे बाउल, भर दिया है तकरीबन। ये सेट बनाने से आपको इसमें से 250 बोतल 220 ml का बन के निकलने वाला है। 200 ml का बनाएंगे तो 265 बोतल बनेगा इसके अंदर से। जो अभी हमने मटेरियल बनाया इसमें से 265 बोतल बनने वाला है दोस्तों। ये फ्लेवर हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लेवर बनाएंगे जीरा मसाला का। जीरा मसाला का फ्लेवर भी बनाएंगे, एक साथ दो फ्लेवर लगाएंगे और एक साथ दो फ्लेवर का। अभी हम बनाएंगे जीरा मसाला, ब्लैक जीरा का फ्लेवर बनाएंगे इसके अंदर। रेसिपी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और रेसिपी के हिसाब से इसमें शक्कर डालेंगे। आप देखिए बाउल पड़ा है हमारे पास, इसमें शक्कर हम ऐड करने वाले। आप देखिए ऐड कर दिया रेसिपी के हिसाब से हमने शक्कर इसमें। आप देखिए ये पूरा शक्कर ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद जो रेसिपी के हिसाब से पानी डालना है वाटर डाल दे, उसके बाद फ्लेवर मिक्सचर में डाल के मिक्स करके जो भी बाउल है कंटेनर उसमें भर देंगे। ये भी रेसिपी एक बार बनाने के बाद 250 से 260 बोतल इसके अंदर से बनने वाला है। अभी हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। आप देखिए मशीन स्टार्ट हो चुका है, वाटर एंड शक्कर दोनों एक होने के लिए तकरीबन एक मिनट तक आपको इसको चलाना है, इसलिए जितना भी इसमें शक्कर और वाटर है दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप देखिए जो भी फ्लेवर का रेसिपी बनाना है इस तरह से आप इसका रेसिपी बना सकते हो। तो मैं चालू रखो, भले बंद कर दिए। उसके बाद हम इसमें रेसिपी के हिसाब से इसमें हम जीरा मसाला का लिक्विड डालेंगे, एसेंस डालेंगे। हम देखिए ये लिक्विड डाल दिए, उसके बाद उसका पाउडर डालेंगे। तो जीरा पाउडर है वो जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। तकरीबन एक मिनट तक चलाना है, इसलिए अच्छे से जितना। अब देखिए इस तरह से पूरा बेहतरीन क्वालिटी का जीरा मसाला का, ब्लैक जीरा का फ्लेवर बन रहा है। अब देखिए इसका सैंपल हम हमारे कस्टमर के लिए बना रहे हैं, जो मशीन को लेने में इंटरेस्टेड है, खुद का प्लांट बना रहे हैं, तो आपको ये सैंपल घर बैठे मिल जाएगा चार अलग अलग फ्लेवर का। इसके बाद ये बाउल के अंदर हम फिलअप कर देंगे, इसमें फिल कर दीजिए। अब देखिए खाली बाउल है इसके अंदर पूरा, आपको जितना क्वांटिटी बनाना है। अभी तो हम सैंपल का 8-10 लीटर बना रहे हैं, बाकी आपको जितना कम ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है 20 लीटर 40 लीटर 50 लीटर एक साथ क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए हाजमा जीरा का फ्लेवर बन के रेडी हो चुका है, बेहतरीन क्वालिटी का। आप देखिए मटेरियल फिलअप कर दिया हमने, एक में डाल दिया है आरबुल का फ्लेवर है और दूसरी जगह हमने ब्लैक जीरा का फ्लेवर ऑलरेडी मशीन के अंदर फिलअप कर दिया है। अभी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग बनाने का तरीका, सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्लेन खाली बोतल है, ये आप देख सकते हो एम्प्टी खाली बोतल पड़ा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे बोतल वॉशर में धोया जाता है, इसको आप देखिए इस तरह से पूरा बोतल को वॉश और क्लीन किया जाता है, क्लीन करके यहाँ पे रखा जाएगा।
उसके बाद बोतल को क्लीन किया हुआ, उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर लगेगा। अगर आपके पास स्टिकर का कोई मशीन है तो आप मशीन से भी स्टिकर कर सकते हो, अगर हैंडमेड करना है तो हाथ से भी इस तरह से आप इसका स्टिकर कर सकते हो। जो भी फ्लेवर है उसका स्टिकर लगेगा, डिजाइन के हिसाब से स्टिकर लगेगा। स्टिकर लगने के बाद यहाँ पे आरबुल का फ्लेवर है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। मशीन अभी फिलहाल हमने 200 ml का क्वांटिटी सेट किया। अगर आपका बोतल 300 ml, 600 ml, लीटर, सवा लीटर, सवा दो लीटर तक का भी बोतल है तो आप इसको सेटिंग वेरिएशन वो हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसमें 200 ml का सेटिंग किया, आप देखिए जितना क्वांटिटी 160 ml सोडा चाहिए उतना 160 ml सोडा आ चुका है। उसके बाद 40 ml सिरप आ गया है इसके अंदर, आप देखिए ये पूरा बोतल भर के तैयार है। उसके ऊपर इसका जो कैप है, यहाँ पे हमने कैपिंग बाउल भी दिया है, कैपिंग यहाँ से आपको ले लेना है और मोटर से चालू करेंगे इसका मोटर। कैपिंग मोटर स्टार्ट हो चुका है, ये आपका बोतल बन के तैयार। अभी आपको इस बोतल को 24 पीस का, 20 पीस का, 18 पीस का कैरेट बना के बाजार में आपको सेल कर देना है। आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी का आरबुल का फ्लेवर घर बैठे मंगाइए दोस्तों। अगर आपको ये प्लांट डालने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट करें और एड्रेस मांगे अपना दीजिए, आपको घर बैठे फ्लेवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं, आप घर बैठे इसको टेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसका सोडा का क्वालिटी आपको टेस्ट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पावर कितना है, वीडियो के अंदर भी मैं आपको शो करता हूँ। देखिए दोस्तों कितना उबाल से क्वालिटी गिर रहा है इसमें, देखिए सोडा का। उसके बाद हमने दूसरा कोई भी फ्लेवर डाला है, जीरा मसाला। तो जीरा मसाला का सबसे पहले बोतल है, उसके ऊपर जीरा मसाला का स्टिकर लगाए अपनी ब्रांड का। फिलहाल हमारा डॉल्फिन का लोगो है, इसमें आप अपनी ब्रांड का भी स्टिकर लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बोतल रख के ले ले, क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से सोडा ले लेना है। ये सोडा ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे सिरप का लाइन है जिसमें जीरा का फ्लेवर का सिरप डाला है हमने। ये जीरा का फ्लेवर का सिरप आ चुका है इसमें। उसके बाद यहाँ पे बाउल दिया गया है, इसमें से आपको ढक्कन उठा के इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। आप देखिए यहाँ पे कैपिंग का स्विच चालू कर देना है, कैपिंग का स्विच चालू हो चुका है, आपका बोतल बनके तैयार है। बेहतरीन क्वालिटी का जीरा, ब्लैक जीरा का फ्लेवर, इसका भी क्वालिटी आपको देखना है तो आप देखिए दोस्तों। ये उबाल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रांगनेस चेक करने के लिए कि पावर कितना है। इसके लिए आपको दिखा रहे हैं कि सोडा का कितना पावर और स्ट्रांगनेस क्वालिटी ये मशीन के अंदर से बनके निकलता है दोस्तों। तो उसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का 40 वेरायटी इसके फ्लेवर से हमारे पास, आपको जो भी बाजार में लॉन्च करना है वो बाजार में आप लॉन्च कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हम सैंपल्स भेजने वाले हैं, जिसके अंदर है सैंपल्स के बॉक्स है, इस तरह का सैंपल्स भेजने वाले दोस्तों। आपके लोकेशन पे भी सैंपल्स भेजेंगे तो उसमें सबसे पहले एक आरबुल का फ्लेवर आएगा, उसके बाद एक आएगा जीरा का फ्लेवर आएगा, एक जीरा मसाला पड़ा है, उसके बाद एक प्लेन सादा सोडा, सोडा का क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। उसके बाद कल हम दो फ्लेवर और बनाने वाले दोस्तों, जिसमें एनर्जी स्टिंग जो रहता है उस तरह का फ्लेवर हम बनाने वाले, और चौथा फ्लेवर हम बनाने वाले ऑरेंज का। और भी दो फ्लेवर इसके अंदर एड हो गए, टोटल 5 बोतल जाएगी सैंपल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया लोकेशन के हिसाब से दोस्तों। मशीन के साथ आपको दिया जाएगा कंप्लीट मशीन यूनिट है विद कार्बोनेटिंग कूलिंग सिस्टम के साथ में, आपको मशीन कंप्लीट मिलेगा। मशीन के साथ आपको 100 लीटर, एक घंटे में 100 लीटर पानी निकाले ऐसा आरओ प्लांट दिया जाएगा। 15,000 बोतल का फ्लेवर आप जो भी सिलेक्शन करेंगे हमारे पास से, 40 में से जो भी सिलेक्ट फ्लेवर करेंगे 15,000 बोतल तक का फ्लेवर दिया जाएगा। 24 पीस का कैरेट बनाने के लिए आपको हॉट गन दिया जाएगा मशीन के साथ में। इस तरह पे बोतल धोने के लिए वॉशर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्लेवर बनाने के लिए मिक्सचर मशीन दिया जाएगा, CO2 गैस का सिलेंडर इस तरह का दिया जाएगा, ये आप देखिए। और दोनों साइड से यहाँ पे बाउल है जिसके अंदर कैपिंग लग के निकलेंगे और सब कैपिंग दिए जाएंगे। मशीन का पीछे का लुक बता दीजिए, डबल टैंक वाली मशीन है, एक पानी का टैंक है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पानी भरेगा, और दूसरा रहेगा ऑनलाइन चिल्लर रहेगा। नीचे स्पेस दिया गया जहाँ पे आप फ्लेवर्स के टैंक और सब रख सकते हैं। ये मशीन के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, लेकिन ये वाला जो प्लांट है वो मिनी प्लांट है, स्टार्टिंग प्लांट है। उसके अंदर हमारे पास दूसरा भी इससे छोटे वाला, दूसरा छोटा वाला भी प्लांट है, TA200 प्लांट है जिसकी 1+2 मॉडल है, जिसकी एक घंटे के अंदर 200 बोतल की कैपेसिटी है। उसके बाद का नेक्स्ट मॉडल है DA250 है, जिसकी कैपेसिटी एक घंटे के अंदर 250 बोतल की है। यह मॉडल है DA300 है, जिसकी कैपेसिटी एक घंटे में आप 300 बोतल निकाल सकते हैं। उससे ऊपर भी अगर आपको जाना है तो हमारा लिमिटेड
लिमिटेड एडिशन मॉडल है, डीएस 600 है, जिसकी एक घंटे में 600 बोतल प्रोडक्शन है, प्लस इसके अंदर डेल्टा कंपनी का डिस्प्ले डाला हुआ है। उसके ऊपर जाना है तो डीए 1000 मॉडल है, जिसकी एक घंटे में 1000 बोतल निकालेगी। डीए 1500 मॉडल है, उसकी एक घंटे के अंदर 1500 बोतल की कैपेसिटी है। उसके बाद रोटरी प्लांट में ऑटोमेटिक में जाना है आपको, तो ऑटोमेटिक में भी हमारे पास तीन अलग अलग मॉडल है, 8-12 बीपीएम, 8-12 बोतल एक मिनट में निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा 16-20 बोतल पर मिनट के अंदर निकालने वाला रोटरी प्लांट है। उसके बाद तीसरा मॉडल हमारा है, जिसके अंदर एक घंटे के अंदर 25-30 बोतल का प्रोडक्शन एक मिनट में निकलेगा, पूरी प्लांट ऑटोमेटिक है। तो मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी और सैंपल प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें और अपना सैंपल्स घर बैठे मंगा के एक बार ठंडा करके उसको ड्रिंक कीजिए, चेक करिए कि क्या क्वालिटी में अंतर है। बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको भी लीजिए और हमारा प्रोडक्ट भी है, दोनों का एक एक घूंट लगा के टेस्ट कीजिए कि आप ये ब्रांड चालू करेंगे तो बाजार में कैसा रहेगा। तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।